आप देख रहे हैं केवल सच। आज हम आप पहुंचे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पे लगातार कई छात्रों की हुजूम सा यहाँ पे आ चुका है आज, और आज की शुरुआत जो काफी धमाकेदार शुरुआत हुई है, और यहाँ पे कई शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे आपको मौजूद हैं। आप कैमरा पर्सन से एक आग्रह करेंगे, वो दिखाइए कि किस प्रकार से उर्दू शिक्षकों की जो टेट पास ये लोग थे, इनको पास करके फिर फेल कर दिया गया, ऐसे लोगों की हुजूम है। और ये सरकार से एक आशा लेकर विधानसभा के गेट तक पहुँच कर आशा लेकर आए हैं कि इनके मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया जाए और उनको न्याय दिया जाए। आइए, इनके प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या मुद्दा है सर, क्यों आप यहाँ पे आए हुए हैं? 7 सालों से पूरे बिहार के उर्दू बंगला TET उम्मीदवार रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट दे करके फेल कर देना पूरे भारत में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में एक कम्युनिटी, एक समुदाय के साथ में ऐसा काम किया गया, रिजल्ट दे करके फेल कर दिया गया। इस न्याय के लिए, इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रिजल्ट आया आपका 13 फेल कर दिया। क्यों, कुछ रीजन? वह तकनीकी कारण। कितने लोगों का रिजल्ट आया था? 12,000 लोगों को फेल किया है, 12,000 लोगों को फेल कर दिया। रिजल्ट देकर, आवेदन करवा कर, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फेल किया गया, ये है रिजल्ट। अब हम लोगों ने इंसाफ के लिए गुहार लगाया। गुहार लगाने के बाद में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से ओपिनियन मंगवाया जाए। ओपिनियन आ गया विद्यार्थियों के पक्ष में, रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। डायरेक्टर का लेटर निकल गया 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके, रिजल्ट जारी करना चाहिए। डायरेक्टर के लेटर के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। कट ऑफ मार्क्स कम करना ये कोई नया तरीका नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कट ऑफ मार्क्स कम किया गया है, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट दे करके फेल किया गया। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है, इसी बिहार में 10% जनरल हिंदी TET उम्मीदवारों को छूट दिया जाता है। हिंदी TET जनरल, उर्दू TET को क्यों नहीं? साफ नफरत पता चलता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ये भी कोई छुपने वाली बात है। हिंदू मुसलमानों में उन्होंने भेदभाव पैदा कर दिया। राम के लिए 50% और रहीम के लिए 60%, ये कहाँ का इंसाफ है? आप कहते हैं हम सुशासन बाबू की सरकार चल रही है, आप सुशासन बाबू हैं? दुनिया और पूरा भारत आपके थूक आपके नाम से फेंकेंगे, हत्यारे कातिल और आतंकवाद के नाम से आप जाने जाएंगे, जान लीजिएगा। हाँ, 12,000 उम्मीदवारों को आपने कत्ल कर दिया। कहाँ से आप कहाँ से आए? क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? लोग मांग के 2013 में जो रिफाई किए हैं, उस रिजल्ट को दोबारा जारी किया गया, और ये जो तानाशाही की सरकार चल रही है, ये हम लोग तानाशाह नहीं सहेंगे। कहाँ से हैं सर, कहाँ से आए हैं? अरिया जिला से आए हैं। गया जिला से? अररिया जिला से। जी, क्या मांग? हमारी मांग ये है कि जो हम लोगों को रिजल्ट दिया गया था, वो रिजल्ट फिर से जारी किया जाए, इसलिए कि अप्लाई लेने के बाद उसके बाद हम लोगों को फेल किया गया है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है इस हुकूमत की, और ये नाइंसाफी की सजा इसको भुगतनी होगी। कितने लोग इस रिजल्ट से प्रभावित हैं? 12 संख्या यहाँ पे लगभग कितने लोग आंदोलन में आप लोग आए? आंदोलन में सुबह में शिक्षा मंत्री के आवास पे गए थे, लाठी चार्ज हुई। आप लोगों पे लाठी चार्ज हुई? हाँ, सब जहाँ तहाँ भाग उकर के, कोई इन्हें नुकाया, कोई उन्हें नुकाया, जहाँ तहाँ DSP के द्वारा हम लोग को यहाँ पे लाया गया। सुबह से लेकर के अब तक के 48 घंटे के अंदर में शिक्षा मंत्री को कोई ना कोई निर्णय लेना होगा, नहीं तो इसका परिणाम भुगतेंगे। क्या करेंगे सो तो हम अभी क्लियर नहीं करेंगे क्या करेंगे, लेकिन वो समझेंगे कि किस इंसान से और अभ्यर्थियों से उन्होंने पंगा लिया है। 7 सालों से आपने जिंदगी बर्बाद कर दिया, और आप पूछे क्या करेंगे, कैसा आप मुख्यमंत्री हैं? आपका दिमाग खिसक गया है? जाके रांची में इलाज करवाइए। अरे, पास करके आपने फेल किया है, क्वालिफाइड थे हम पास थे हम, तब आपने फेल किया है। आप हिंदी TET उम्मीदवारों के लिए 50% रखे हुए हैं, उर्दू TET उम्मीदवारों के लिए 60%, क्या मतलब? आपने स्कूल में भेदभाव पैदा कर दिया, राम के लिए 50, रहीम के लिए 60। आप तो बहुत सारे रास्तों से आप काम कर सकते हैं, कैबिनेट से बात कर सकते हैं। रहेंगे 48 बोला तो 48 घंटे के अंदर में बहुत कुछ होगा। नाम और पद? हसन रजाम जदी, प्रदेश अध्यक्ष उर्दू बांग्ला TET संघ। तो ये थे हसन रजा जी, देख रहे हैं किस प्रकार छात्रों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लगातार छात्रों की, उन्होंने शिक्षा मंत्री के पास भी गुहार लगाने की कोशिश की, लेकिन छात्र जब भी इंसाफ मांगने नीतीश कुमार जी के और उनके मंत्रियों के पास जाते हैं, उनको लाठी चार्ज, लाठी के द्वारा, गाली के द्वारा भगा दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है। लेकिन चुनाव में
आने वाले चुनाव में यही अभ्यर्थी जब उनको मुंह की खाने के लिए परेशान कर देंगे, उनको वोट नहीं देंगे, तब देखिए नीतीश कुमार जी आगे क्या करते हैं। कैमरा पर्सन त्रिलोकी नाथ जी के साथ मैं सागर कुमार, केवल सच न्यूज पटना।